फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंट्रोल जो हमारे काम का है .NET के अंदर वो है पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स बेसिकली एक सिंपल सा कंट्रोल है जिसके अंदर हम पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स हम कोडिंग से भी ऐड कर सकते हैं और प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। तो हम पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पिक्चर बॉक्स के अंदर मैं गया, मैंने इसको नाम दिया PIC, कुछ भी नाम दे दिया मैंने। बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है, मैं लोकल से जाके इसे इंपोर्ट कर सकता हूँ कहीं से भी। माय पिक्चर्स में गया, मैंने एक ये पिक्चर ले ली, इसका यहाँ पे लगा दिया। पिक्चर लगाने के बाद हम इसको बैकग्राउंड इमेज को हम स्ट्रेच कर देंगे ताकि वो वहाँ पे सेट हो जाए। और फिर उसके बाद मेन जो पिक्चर बॉक्स की है ये दो प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है। फिर हम नीचे जाके यहाँ से और कोई प्रॉपर्टी हमारे काम की इसमें मुझे ऐसी लगती नहीं है। मेन जो पिक्चर बॉक्स है, पिक्चर बॉक्स उसके बैकग्राउंड पे एक इमेज लगा दी, उसको हमने स्ट्रेच कर दिया। पिक्चर बॉक्स के हम कोई इवेंट को यूज़ में नहीं लेंगे कि हमारे कोई काम का नहीं है। अब इसको कोडिंग के थ्रू हम इमेज कैसे ऐड करते हैं पिक्चर बॉक्स में, ये हम जब कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जब हमें पूरे कंट्रोल्स पढ़ लेंगे फिर हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा हम किस तरीके से पिक्चर बॉक्स में कोडिंग के समय इमेज लगा सकते हैं। तो मेन जो प्रॉपर्टी पिक्चर बॉक्स की थी नेम, बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज को हम लेआउट को हमने स्ट्रेच कर दिया। और एक यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टी है, इमेज से भी आप इसमें इमेज लगा सकते हो। मान लीजिए मैंने कोई ये इमेज लेके मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी, ओके किया, और इसको मैंने यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इमेज को भी आप स्ट्रेच करना चाहते हैं, इमेज को भी आप कर सकते हो स्ट्रेच कोडिंग के थ्रू।